हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेके आया हूं और जिन खबरों का आप वेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं SSA सर्व शिक्षा अभियान। तो साथियों, इसमें क्या है कि आज मेरिट लगने वाले है और जिन साथियों ने अप्लाई किया है और जिनके 25 प्लस या 25 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरिट कैसे बनेगी, तो जिसके 25 के अराउंड या 25 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उनके लिए उम्मीद है कि उनका नंबर आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों, देखते हैं क्या होता है और जो साथी सिलेक्ट होंगे सभी को शुभकामनाएं पहले। तो ये जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले शाम को बता दिया जाएगा और आप अपनी साइट पे जाके, वहाँ पे जो SSA की साइट है वहाँ पे आप चेक करते रहें, और अगर आपको नहीं मिलता है तो शाम के टाइम मैं आपको बता दूंगा कितनी मेरिट गई है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके बाद साथियों, बात करते हैं MCD PRT। तो अभी TGT के कुछ एग्जाम हुए थे और जिनमें नॉर्मलाइजेशन पार्ट वाइज किया गया है, तो इसे देखते हुए एक अच्छी खबर आ रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो पार्ट वाइज होगा PRT का, उम्मीद यही लगाई जा रही है। हालांकि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है उसके भी कई प्रोसेस होते हैं, कई तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। कुछ नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, मतलब जो शिफ्ट इजी थी उसके मार्क्स कम कर दिए। कुछ में क्या होता है कि जो शिफ्ट इजी है उसके मार्क्स इतने ही रहेंगे, जिनका एग्जाम टफ था उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। जहां तक उम्मीद है, उम्मीद यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो पार्ट वाइज होगा। चलो, जो भी होता है रिजल्ट के टाइम पे सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद साथियों, एक न्यू अपडेट और है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, उसमें एक दो पोस्ट है, अगर जो साथी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कुछ इस टाइप की पोस्ट है उसमें। तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, इसकी लास्ट डेट आज है, मतलब 18 जनवरी 5:30 बजे तक। तो जो साथी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है साइट पे जाके, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, गूगल पे सर्च करेंगे आपको वो चीज अपने आप वहां पे दिख जाएंगे। तो साथियों, ये न्यूज थी, न्यूज अच्छी लगे तो अपने व्यूज जरूर दें। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट जल्दी आने वाला है, आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि रिजल्ट की जो प्रोसेस है वो अच्छी चल रही है इस टाइम, उम्मीद यही है कि आज भी कोई नया रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।